नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है, गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, तो मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछे थे दोस्तों कि मैं ईएमआई, जैसे मैं बाइक खरीदने गया था तो वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा तब मैं आपको बाइक दूंगा, तो डाउन पेमेंट करके आप कैसे उसको ईएमआई कैलकुलेट निकालेंगे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि ईएमआई आपको अगर 1 लाख के आपके पास बाइक लिए हैं और आपको 10% इंटरेस्ट रेट है और उसको मंथली ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो कहें वो बोले कि आपको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो डाउन पेमेंट करके हमको ईएमआई कैलकुलेट करके दिखलाइए। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आप 1 लाख का बाइक खरीदे हैं, उसमें 50,000 डाउन पेमेंट किए, 3 साल के लिए ले रहे हैं और उसको इंटरेस्ट रेट 10% या 15% है, तो उसका मंथली ईएमआई कितना होगा, तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ, यहाँ पर आप देखिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आ गया हूँ और मैं यहाँ पर आप एक बाइक, मैंने जैसे एक बाइक कीमत है मोटा मोटी 1,30,000, है और उसका डाउन पेमेंट आप 50,000 कर रहे हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब एक कोई बाइक आप खरीदने जाइएगा तो वो आपको बोलेंगे कि आप कुछ पैसा आप दीजिए, पूरा 100% आपको क्रेडिट पर नहीं दूंगा, यानी कि ईएमआई पर नहीं दूंगा, कुछ आपको पेमेंट डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप डाउन पेमेंट 50,000 कर दिए, अब इंटरेस्ट रेट वो आपको रखते हैं 15%, ठीक है, और ईयर आप चूज किए 3, ठीक है दोस्तों। ये सबको आपको कम बेसि ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं आपको कम बेसि ज्यादा करके आपको मैं दिखाता हूँ। अब हमको ईएमआई निकालना है, ईएमआई मंथली होता है, तो मंथली ईएमआई हमको कितना देना होगा, यानी कि 1,30,000 का बाइक मैंने खरीदा है, 50,000 डाउन पेमेंट किए हैं, 15% इंटरेस्ट रेट ईयर, ठीक है, लेकिन आपको मंथली आपको निकालना है, मैं आपको बताऊंगा। और टाइम पीरियड 3 साल है, लेकिन मंथली आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है, मैं तुरंत आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इस कल्टू लगाया और मैं PMT फॉर्मूला को किया और स्किप के साथ ओपन ब्रैकेट मैंने दिया, यहाँ पर देखिए रेट, देखिए यहाँ पर रेट, तो रेट कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए रेट, इस पर आपको क्लिक किए, और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये तो ईयरली है, लेकिन मुझे डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि हमको मंथली निकालना है, तो डिवाइड बाय 12 हम लोग कर देंगे, ठीक है ये आपको, ठीक है। उसके बाद कोमा लगा देंगे दोस्तों, कोमा लगाने के बाद देखिएगा अभी NPR बोल्ड में हो गया है, बोल्ड में यानी कि इससे हम पार कर गए, तो NPR मतलब ये ईयर है, तो इस पर हम आपको क्या करेंगे क्लिक करेंगे, और ये आपको 3 साल के लिए, हम तो मंथ निकालना है तो हमको सीधे आपको डिवाइड करने का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना कर देंगे 12 से, क्योंकि हमको मंथ निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमको लगा देना है कोमा, उसके बाद पी भी मतलब अमाउंट कितना है, तो ये है, ठीक है, तो ये है आपको, लेकिन हम डाउन पेमेंट भी कर रहे हैं 50,000, ठीक है, क्योंकि हमको इतना पैसा 50,000 पर डाउन पेमेंट भी कर रहे हैं, तो इसको हम माइनस लगा के इस पर आप क्लिक कर देना है और आपको शिफ्ट को आपको इसे बंद कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरह से आपको आ गया, ठीक है दोस्तों, यानी कि कितना आया आपको, आ गया 2,773 रुपये आपको मंथली, आपको इतना आपको देना होगा। अब यहाँ से आप कम बेसि ज्यादा आप कर सकते हैं दोस्तों। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपको ऐसा आ जाए, ठीक है ना, आपको ऐसा आ जाए डॉलर के आया, इसको कैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक माइनस का साइन लगाना है और इंटर प्रेस कीजिएगा, आपको ये रेड हटेगा, उसके बाद डॉलर हटाना है, तो यहाँ पर इसे क्लिक करके इसमें हटा सकते हैं डॉलर, आप इसको राउंड फिगर में करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर दीजिएगा 2 बार, तो आपको राउंड फिगर हो जाएगा। यहाँ पर आप कम बेसि ज्यादा कर सकते हैं, जैसे आपका बाइक है 1 लाख और डाउन पेमेंट आप किए 25,000 या और इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, आप टाइम पीरियड आप लेते हैं 2 साल,
ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर एक कैलकुलेट करते जाएगा। एक बार आप निकाल लीजिएगा और यहाँ से आप इसमें कुछ चेंजिंग कीजिएगा तो यहाँ पर आपको चेंजिंग होगा। आपको इसका आपको बाइक का कीमत बढ़ा सकते हैं, कैश पेमेंट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे EMI कैलकुलेट आपको देखना, मंथली आपको देना होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।